तो हेलो एवरीबॉडी यार गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई आदित्य एंड आप सभी देख रहे हैं पापा वाई डे। एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि आज रात 12 बजे के बाद अपने फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट अपडेट आने वाला है। एंड साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा हेलोवीन इवेंट में क्या कुछ न्यू आइटम्स आएंगे। एंड साथ ही साथ बात करेंगे अपने दिवाली इवेंट में क्या कुछ नया आइटम्स आने वाले हैं। एंड उसके साथ ही साथ मैं अब बात करूँगा पोको आई मीन कोबरा MP40 रिटर्न बैक के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल वाले आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक अगर आपने अपने भाई को फॉलो नहीं किया तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिलेगा, जाकर इंस्टा फॉलो कर लो। या इंस्टाग्राम पे पापा वाई टी लिखोगे तो सबसे पहले मेरा वाला आईडी आएगा, तो जाकर उसे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई लोग। जैसे कि अपने हेलोवीन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो हेलोवीन इवेंट में अपना ये वाला जो येलो कलर का XM8 है, जो कि अपने नेक्स्ट बार हेलोवीन इवेंट में आया था, ये वाला हो सके तो वापस से अपने इंडियन सर्वर में रिटर्न बैक आ सकता है। इसका चांसेस 50% है गाइज आने का, क्योंकि हेलोवीन इवेंट में ये वाला XM8 का स्किन आ सकता है। एंड साथ ही साथ तो इसका पूरा कलेक्शन आ सकता है। ये शायद अपना सा इंक्यूबेटर में आया था हेलोवीन के टाइम का, उस समय शायद से ये इंक्यूबेटर में आया था। एंड आगे चलते हैं, आगे ये ग्रीन वाला भी ये ग्रीन वाला XM8 भी आया था, सारे XM8 के पैकेज आएंगे। एंड अब बात कर लेंगे हेलोवीन इवेंट में कौन सा न्यू बंडल आपको प्रोवाइड करवा सकता है गड़ीना, उसके बारे में। एंड साथ ही मैं बता देता हूँ, ये वाला जो अपना इवेंट है ना, ये इवेंट भाई लोग इंडियन सर्वर में हो सके तो आएगा। आप लोग ऐसा मत बोलना कि भाई वहाँ पर आया यहाँ पर नहीं आया, तो बहुत सारे सर्वर में ये वाला इवेंट आया है, तो अपने हो सके तो इंडियन सर्वर में भी आ सकता है। बट गाइज आप लोग ऐसा मत बोलना कि भाई तूने बताया ऐसा इवेंट आएगा वैसा इवेंट आएगा नहीं आया, तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा वो होगा। बट ये कंफर्मेशन है कुछ कि आ सकता है, क्योंकि भाई लोग मैं ये जो सर्वर में आपको सर्वर का वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये सर्वर में ये वाला आया है, तो इसलिए मैंने कहा। एंड अभी ये टोकन आपको ऐसे कुछ रहेगा, अगर ये आया तो कुछ ऐसा इवेंट में आएगा कि जहाँ डायमंड लेगा आपसे, ऐसा कुछ इवेंट में आएगा। बट फ्री में तो नहीं मिलेगा इतना रेयर स्किन इंडिया में, ठीक है। तो ये कैसा इवेंट में आ सकता है, अभी जो इस जो सर्वर में का मैं दिखा रहा हूँ वो सर्वर में ये कैसा है, ये टोकन पे आया है। आप लोग को गेम खेलना है, टोकन कलेक्ट करना है और आपको ये वाला XM8 का स्किन मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अभी बात कर लेते हैं अपन लोग क्या बंडल आने वाला है। तो देख सकते हो ये न्यू मार्क्स है, एकदम भाई लोग आग फाग निकल रहा है, एकदम साइड से एकदम माथा उदा फटा है, ऐसा कुछ हेलोवीन इवेंट में आ सकता है। एंड अभी बात कर लेते हैं इसके टॉप के बारे में, देख सकते हो भाई ओपी कतई ही जहर वाला ये लुक है इस वाले बंडल का, तो ये हो सके तो अपने इंडियन सर्वर में हेलोवीन इवेंट के टाइम आ सकता है। एंड अभी बात कर लेते हैं भाई लोग कि गर्ल्स बंडल के बारे में, तो गर्ल्स बंडल भी आएगा अपने हेलोवीन इवेंट में। एंड साथ ही साथ वैम्पायर वाला बंडल एक बार आया था अपने फ्री फायर के अंदर, जो कि मैजिक क्यूब में भी था बहुत टाइम ये वाला, तो ये भी आ सकता है भाई लोग। देख सकते हो वैम्पायर का ये वाला टॉप है उसका, भाई लोग ये इवेंट भी अपने इंडियन सर्वर में आ सकता है। एंड अभी बात करते हैं अपने मिस्ट्री शॉप के बारे में भाई लोग, हेलोवीन के टाइम में एक मिस्ट्री शॉप भी आप लोग को देखने को मिल सकता है गाइस। तो अभी बात करते हैं मिस्ट्री शॉप कब तक आ सकता है, तो भाई लोग नवंबर के टाइम में कंफर्म है कि आप लोगों को एलिट पास परचेस नहीं करना है। हो सके तो भाई नवंबर टाइम में दिवाली इवेंट के बाद अपन लोग को एक मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाए जिसमें एलिट पास भी होगा गाइज। एंड भाई लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने देखा था कुछ दिन पहले ही, जब दो दो अपने ऊपर अगस्त मंथ में दो दो मिस्ट्री शॉप आया हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है कि दो दो मिस्ट्री शॉप आ जाए। तो चलो चलते हैं अपने मिस्ट्री शॉप की तरफ। इस आप लोग देख सकते हो ये मिस्ट्री शॉप। एंड अभी बात कर लेते हैं, इस मिस्ट्री शॉप में एलिट पास आया है एंड हेलोवीन नेक्स्ट ईयर जो हेलोवीन आया था उस टाइम जो बंडल आया था वो भी आया हुआ है इसमें। एंड साथ ही साथ कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है बट ठीक ठाक से आइटम्स है इसमें। एंड अभी चलते हैं इस वाले बंडल के ऊपर एंड देखते हैं ये बंडल, चेकआउट करते हैं कि ये बंडल कैसा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बंडल मेरे को तो ओपी लगता है भाई लोग, ओपी लेवल का। इसका जो फेस है ना, इस उसका फेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ये बंडल ओपी लगता है मेरे को। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो आप लोग निकालोगे कि नहीं, मुझे जरूर से कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई लोग ये मुझे अच्छा तो लगता है। एंड इसका फीमेल वाला बंडल भी बहुत ज़्यादा ओपी है, जो कि इस सीज़न आने वाला है हेलोवीन इवेंट में। तो भाई लोग ये आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर मिल सकता है। बट गाइज आपको तो पता है, हमारे साइड जब मिस्ट्री शॉप आता है तो गरीना उसे
पूरा फुल टट्टी करके भेजता है, सिर्फ एलीट पास रहता है एक एंड उसके साथ ही सब बंडल टट्टी रहता है। जो ये वाला बंडल आया है ना अपने, ये जो अभी मिस्ट्री सब चल रहा है उसमें वो जो बंडल है वो मेरे को अच्छा लगता है भाई। उसका हेयर बहुत अच्छा है एंड लंबा लंबा सा, एक एलीट पास एक ये आया था अपना मैजिक क्यूब के अंदर आया था बंडल, वैसा लगता है भाई। लोग वो बंडल का नाम क्या है मुझे तो पता है, आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना एंड भाई लोग कॉमेंट में अपना यूज़र आई डी भी मुझे कॉमेंट कर देना। एंड अभी चलते हैं इसके तरफ, क्रोनो की तरफ। तो भाई लोग देख सकते हो क्रोनो, क्रोनो भाई क्रोनो को तो टट्टी कर दिया करीना वालों ने, तब क्यों दे रहे हो भाई, टट्टी कर दिया फुल करीना, इसको तो फुल चोट दिया है करीना वालों ने भाई, क्या ही बोलूँ, पेल दिया है करीना ने इसे। एंड अभी देखते हैं ये वाला बंडल अपन का, ये जो बंडल है भाई लोग बहुत मस्त बंडल है, एमसी फंक की बंडल है, फंकी बंडल है भाई लोग देख सकते हो भाई। ये अपना एक लगविल में फेडेड विल में आया था भाई लोग ये बंडल कुछ दिन पहले अपना भाई लोग, बहुत ज़्यादा ओपी बंडल है। आप लोगों को ऐसा लगता है कमेंट करो जरूर से बताना, ये वाला बंडल हो सके तो अपना मिस्ट्री शॉप में आ सकता है। एंड भाई लोग देख सकते हो फुल ये वाला जो मिस्ट्री शॉप है हेलोविन के ऊपर बेस्ड है, तो भाई लोग हो सके तो ये अपना हेलोविन के ही टाइम में अपने इंडिया सर्वर में आएगा। एंड अभी बात कर लेते हैं ये बंडल की तरफ, ये बंडल बच्चे लोग को देखने वाले बंडल नहीं, मत देखो तुम। और ये देखो भाई लोग इमोट, ये भी इमोट बहुत बार दिया है, अभी मैंने ये बैकपैक भी आप लोग को दिखाया था एंड ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। एंड रीच का बॉडी भाई लोग, ये रीच का बॉडी आप लोग को देखने को मिल सकता है, इसके पीछे पहले मेरा मैं दीवाना था बट अभी अच्छा नहीं लगता ये उतना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला बंडल अपना कि ये बंडल कैसा है भाई। बल्लौंडा तो कतई ही लंगा पुंगा खड़ा है भाई लोग, गजब बेइज्जती है, तो तब भी ठीक ठाक सा सह लेंगे थोड़ा सा। ये पूरा लंगा क्यों खड़ा है भाई, इसको एक टी शर्ट ला के दो, पहले इसको एक टी शर्ट लाओ फिर मेरे से बात करो भाई, कुछ भी। अब चलो बात कर लेते हैं अपने कोबड़ा MP40 रिटर्न बैक के बारे में, तो रिटर्न बैक कब तक आएगा कोबड़ा बात कर लेते हैं उसके बारे में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग भाई लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोबड़ा MP40 जो कि पोकर MP40 का पापा है, ऐसा तुम लोग कहते हो बहुत जन, मैंने सुना है बहुत जनों के मुंह से ये पोकर MP40 का पापा है। एंड एक दिन मेरे को बच्चा है, मैंने एक बच्चे से पूछा भाई तेरे को कौन सा MP40 पसंद है, तो वो बोल रहा है भाई कोबड़ा। मैंने क्यों, मैंने कहा पोकर पसंद है, तो बोला वो तो टट्टी है, पीला टट्टी लगा है उसमें, बताओ ये कौन सा बात हुआ। बट अभी देख लो ये कोबड़ा MP40 कब तक रिटर्न बैक आएगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोबड़ा MP40 आप लोगों को हो सके तो हेलोविन इवेंट के टाइम आ सकता है या दिवाली इवेंट के टाइम आ सकता है भाई लोग, ज़्यादा सियोरिटी दिवाली इवेंट के टाइम है, क्योंकि अभी फिलहाल ही में अभी आप लोगों ने देखा कि अपन लोग का सुबह ही ड्रैको एक बैक आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा। बट भाई लोग देख सकते हो भाई लोग इसमें आइटम क्या कुछ है, इसमें पहला आइटम फ्री था जिससे मैंने एक बंडल निकाल लिया अपने इस सर्वर में। एंड अभी चलते हैं तो भाई लोग नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं जो कि अपना दिवाली इवेंट होने वाला है, तो चलो चलते हैं उस वाले इवेंट के अंदर। एंड उसका कैलेंडर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि उस कैलेंडर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा उस वाले इवेंट में। तो भाई लोग देख सकते हो ये है अपना दिवाली इवेंट का कैलेंडर एंड इसमें पहला लॉग है, इसमें आपको लेजेंडरी 3 गन मिलेगा एंड उसके साथ ही आपको एक पेड भी मिलेगा एंड साथ साथ ही आपको एक बंडल भी मिलेगा। और ये पिक ऑन दिवाली हैम्पर ये क्या है वो मुझे समझ नहीं आया, बट भाई लोग उसमें आप लोगों को एक मैजिक क्यूब और दिवाली पांडे में एक इमोट भी मिलेगा भाई लोग, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। गड़ीना इतना दे रहा है बहुत है भाई लोग। अब चलते हैं दूसरे वाले अपडेट के ऊपर जो कि है लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे ये वाला इमोट पार्टी वाला इवेंट। एंड भाई लोग ये वाला अपने 27 तारीख को हो सके तो इंडियन सर्वर में आ जाएगा। एंड भाई लोग सबसे बड़ी बात है ना ये वाला जो इवेंट है ना, इसमें आपको बहुत लेजेंडरी इमोट देखने को मिलेंगे। एंड भाई लोग अगर आप चाहते हो ये वाला इवेंट में से इमोट निकालना, तो भाई लोग आप लोगों को मेनली 1000 से 2000 डायमंड लेजेंडरी इमोट निकालने में लग जाएगा, 2 या 3 इमोट निकालने में। तो भाई लोग मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई लोग तुम लोग अगर टॉपअप करते हो तभी जाना है इसके पीछे, अगर टॉपअप नहीं करते हो तो बिंदास फ्री के आइटम में गेम खेलो। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने टू नाइट अपडेट के ऊपर कि भाई लोग आज रात 12 बजे के बाद आपको फ्री फायर के अंदर क्या कुछ न्यू चेंज देखने को मिल सकता है, तो भाई लोग रात 12 बजे के बाद कुछ ऐसा सामान नहीं है जो कि आने वाला है, हो सके तो कल सुबह 10 बजे कोई वेब इवेंट आ जाए। एंड ऐसा कोई मेनली कोई नहीं है कि आपको टू नाइट अपडेट में आपको कुछ देखने को मिले। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा लीक एंड अपडेट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लोग साथ ही बेल वाले आइकन को नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। एंड भाई लोग अगर आपको हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं सबका मैसेज का रिप्लाई करूँगा। एंड भाई लोग आपको ज़रूर से अपना UID हमको कमेंट कर देना है जिससे कि किन्हीं दो अच्छे विनर को मैं अपनी तरफ से
100 डायमंड दे सकूँ भाई लोग, ज़्यादा नहीं भाई लोग, गरीब इंसान हूँ, 100 डायमंड ही दे पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार भाई लोग।